तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मैसेज नेगेटिव में। तो अभी इनकी तैयारी हो गई है जाने की, और बड़े दिनों बाद शिवा ने सवारी करी आज, है ना? एक हफ्ते बाद ना, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा, हाँ। और ये भी तैयार हो गए, तीनों का नहाना वगैरह हो गया हमारा। तो करते हैं दुकान पर जाने की, मतलब जा रहे हैं अब। तू आ जा भाई, मम्मा पाँच अच्छा नहीं आ रहा अब। अभी इसको बैठना है। और आज मौसम खुला खुला है, धूप लग रही है, हो रही है धूप, तो हल्के बादल भी आए गए हैं वैसे। फिर देखते हैं कैसा रहता है मौसम। तो जा रहे हो ना, बाय। अभी सुबह का 10:30 हो गया है, सागर तो गए और काम भी हमारे हो ही गए हैं। अब मेरा काम है सिर्फ इसको देखना और आराम करना, है ना? क्योंकि ना कल कपड़े वगैरह हो ही गए थे, थोड़े कपड़े थे इसके पैजामे वगैरह, तो मैंने सुबह धो दी थी। नहाना वगैरह सारा हो गया है, अब इसके ड्रामे ऐसे हो रहे, ऐसे बैठा है, पैर मोड़ गए हैं। कौन बैठता है ऐसे? इसको ना भूख लग रही है, बच्चों तो इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। अभी हो रहे हैं दिन के 11:30। शिवा तो सोया है और मैंने इसमें रखी हुई है दाल मूँग की, तो इसके लिए भी हो जाएगी और हमारे लिए भी। और आज तो बाहर धूप लगी हुई है, अच्छी सी धूप हो रही है आज। तो धूप वगैरह हो जाए ना थोड़ा सा सही रहता है, जो मतलब बीमारी रहती है ना बरसात में मानसून वाले दिनों में, तो वो कम हो जाती है धूप होने से ना। तो ठीक है, आज धूप हो रही है और सारा काम तो हो ही गया था, दाल बॉयल हो जाए बस। ये लगाया है मैंने अभी मूँग दाल में तड़का, तो थोड़ा गाढ़ी सी हो रही दाल, तो ये पानी बॉयल कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी। और ये ना इतने आम पानी में भिगोए हुए थे, तो मैंने बाहर निकाल दिए हैं, और थोड़ा सा ना, नहीं तो फिर वो वैसे हो जाता है ना, पानी भर जाता है इनमें। तो अब सही हो गए हैं खाने के लिए, खा भी लिए इन्होंने कुछ। और शिवा पता नहीं क्या ढूंढ रहा है मंजी के पीछे। ये क्या ढूंढ रहा है भाई? कुछ है, है? सौगात पड़ी होगी कुछ। कुछ है? क्या लगा, ये क्या लगा दिया? नहीं मिल रहा, अच्छा यहाँ खुला खुला है ना। मामी ने इसके लिए जगह बना दी यहाँ पे, वहाँ वहाँ से जा, एक पैर तो रख दिया ऊपर, जा क्यों हो रही पिट्टी? क्यों कर रहा मंजी की पिट्टी? जा उधर उधर, चलो उधर उधर, चलो जा। अपनी पिट्टी तो छत पे आई हूँ अभी, तो मैं छत पे आई हूँ और कपड़े सूखे गए हैं तो ले जाती हूँ नीचे। आज जल्दी धो दिए थे और हवा चल रही है हल्की हल्की। एक बच गया है, ये तो मामी के साथ है यहीं नीचे, तो कपड़े ले जाती हूँ अब। अभी हो गया है रोटी सेकने का टाइम और दाल तो बन गई है मूंग की, और इसने एक भी चम्मच दाल नहीं खाई। पापा को करूँगी तेरी शिकायत, ठीक है? अब ये खेल रहा है। पापा तो रोटी सेकते हो, तवा गर्म हो रहा है। घर अभी बज रहे हैं दिन के 2, और शिवा तो उधर खेल रहा है भाभी के साथ, बच्चों के साथ। क्या कर रही है? क्या बना? मूंग की दाल रोटी। मूंग की दाल रोटी खाते हैं अब। अब दाल है, प्याज, रोटी और आम, और शिवा भी आ गया उधर से अभी। वो पीछे हुआ है,
क्या हुआ? ब्रेड नहीं मिली, ब्रेड दस से लेने बंद हो गई। पहले इसने साइकिल चलाई और फिर इसकी पिटाई करी, अब इसका ध्यान कहाँ गया? झाड़ू पोछे लड़कियों वाले काम पता नहीं क्यों करता है। अब गड्ढा चाहिए इसे अपना, वो भी उल्टा कर दिया। आ जा इधर, आ जा इसे, आ जा यहाँ ले, आ जा आ जा। अब गुन्नी की साइकिल ले, इसको चला। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पैर पैर पे लगती अगर आएगी बारिश क्या? ये गुन्नी की साइकिल है, अच्छा मामी इसको चलाना खेल खिलाना सिखा रहे, पर ये है ये तो अपनी मर्जी का खेलता है। फिर से नजर आ गई है इसकी चप्पल है। ये हो रहा है बिस्तर में लेटे लेटे योगा, लेटे लेटे हो रहा है योगा। नहीं मेरे पास नहीं आना। यहाँ पे मौसम तो हो गया है ठीक, ऐसा मौसम हो रहा है अभी। अब मैं शिवा थोड़ा बाहर आए हैं तो ऐसी बारिश हो रही है, फिलहाल हो नहीं रही है बारिश। बाहर आए हुए हैं अभी और पूरा हरा भरा हो रहा है तो बारिश हो नहीं रही है, तो मौसम देखने आई थी मैं बाहर, तो पीठ में जाने की सोचते हैं अब। अभी हम कर रहे हैं पीठ में जाने की तैयारी, तो इसको लग रहा कि ना मैं इसको छोड़ के चले गई। बचा तेरी टी शर्ट चेंज, इसकी तो इसकी टी शर्ट चेंज करती हूँ फिर लेके चलती हूँ, तो ब्लैक कलर की पहनाती हूँ ये वाली। तो शिवा की बग्गी खाली कर दी है, कपड़े इधर निकाल दिए तो बग्गी खाली हो गई, क्योंकि मैंने सुबह भी इसकी बग्गी खाली की थी कि मुझे शाम को पीठ में जाना है, लेकिन ये आज के धुले हुए कपड़े थे तो तह भी लगाई नहीं है, और इसको मैंने टी शर्ट पहना दी। और डायपर मैं पहना नहीं रही हूँ, पैजामिया रख लूँगी कुछ करेगा तो चलते हैं। जा रहे हैं पीठ में शिवा की बग्गी लेके, तो आज कपड़ों की बजाय शिवा आ गया है बग्गी में, और मौसम तो खुल ही गया लगभग, अभी तो धूप आ रही है। हम पीठ से तो आ गए थे और ये सो गया आते ही, इसने दूध पिया सो गया, और यहाँ पे ना लाइट चली गई, अभी गई बस। अब क्या करूँ, सागर मुझे डांटेंगे, सो गया तो आ गई और शिवा सो गया और सागर मुझे डांटेंगे, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने फ़ोन करके तो इनको बता दिया कि सो गया हो, क्योंकि ये ना रात को सोता नहीं है, तो ये बोलते हैं कि इसको सुलाया मत कर, सो गया, मैं क्या करूँ। और अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ फिलहाल, तो इनका हो रहा है आलू वाले चावल खाने का मन, कि काफ़ी टाइम से चावल नहीं खाए, और इनको ना रात ही को आती है चावल खाने की याद, तो चावल निकालती हूँ। एक यहाँ रखे रहते मैंने डब्बे में चावल, ये रहे हमारे चावल, तो कम ही लेते हैं हम चावल ना, बहुत कम लेते हैं, तो कब 2 किलो लिए थे तो खाए तो जाते हैं नहीं, तो इसलिए ऐसे लेते हैं 2 किलो 1 किलो। तो भिगोती हूँ इनको, फिर आलू वगैरह काट लूँगी। मैंने चावल रख दिए हैं और ये मैं उधर से मामी उनका कुकर ले आई, क्योंकि जो मेरा कुकर है वो छोटा है ना, तो आलू वाले चावल इसमें अच्छे से बन जाएंगे, इसमें उसमें सही से नहीं बनते हैं, और सिटी बस भी जाए तो कोई बात नहीं, उठ जाएगा सही हो जाएगा। और ये कपड़े संभालने हैं, और ये सामान लेके आई थी मैं, तो टमाटर
भिंडी, नींबू, लहसुन और आलू प्याज। यह है आलू प्याज। तो ये सामान मुझे लगाना है अभी, तो लगाती हूँ इसे और ये उड़ जाए तो ठीक है। देखो अभी ना सीटी बज रही है, मैं नीचे कर दी और ये उठा तक नहीं अभी ये। और ये सामान लाई थी ना मैं, तो मैंने क्या करा, आलू मैंने यहाँ रख दिया नीचे यहाँ, नहीं तो सिवा वहाँ टोकरी में रखूँगी तो ये क्या करेगा, आलू की मिट्टी चाट चाट के खा लेगा। तो अब इसको संभालती हूँ। जो सब्जी मैं लाई थी वो मैंने धुल के रख दिया इसमें। तो भिंडी ना पहले धो दो, बाद में ना कल बनाने के लिए परसों बनाने के लिए सही हो जाएगी, नमी निकल जाएगी इसकी सारी। और कपड़े तह तो मैं लगा नहीं रही हूँ, थक लग गई मुझे, तो मैंने कपड़े दोबारा से इसमें रख दिए, बाद में देखी जाएगी इनका। और चावल तो बन गए हैं है ना, तो मैं बाहर चलती हूँ। और सीटी बजी लेकिन ये उठे नहीं। शिवा उठ जाओ बच्चा, उठ जाओ बच्चा, रात को सोना। शिवू शिवू शिवा, पापा आएंगे ना इसके, अभी आने वाले हैं फिर उठेगा ये। जब भी आए मगर अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और ये देखो अभी ये सो रखा था, मेरी आवाज़ सुनी इसने और ये तो उठ गया है। गुड मॉर्निंग। गुस्सा हो रहा कि मेरे को उठा दिया? गुस्सा हो रहा कि मेरे को उठा दिया इसने। सो गया फिर से। और खाने में इसने बना रखे हैं पुलाव। चलो खाते हैं, अभी बनने वाले हैं बस थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी खा रहा हूँ मैं खाना रात का, और खाने में आज पुलाव और प्याज। खाते हैं अब। अभी बन रही है हमारी रात वाली चाय, तो बन रही है। और इसके साथ मैं लेके आई हूँ आज ये नमकीन, ये वाली, तो इसके साथ खाएंगे। अभी रात का 11 बज गया है, रात का 11 बज गया है और शिवा ना सोया ही है आज, तो ये सोया ही है। और ये भी घूम के आ गए हैं, घूमने गए थे और बर्तन वगैरह सारे धुल दिया मैंने। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं धुलती हूँ, कि कल ही धूँगी, थकान लग रही थी, लेकिन फिर 1 घंटा आराम किया मैंने, फिर धो दिए क्योंकि थकान फिर थोड़ा कम हो गई। तो चलिए व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय।